और हिंदू धर्म का वेदांता मतलब ब्रह्म सूत्र उसमें लिखा हुआ है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ती नेह ना किंचन ईश्वर एक ही है भगवान एक ही है दूसरा नहीं है नहीं है नहीं है, नहीं है जरा भी नहीं है सुनो इसराइल हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर एक आई एम गॉड एंड देर इज नो गॉड बिसाइड्स मी मैं ही ईश्वर हूँ मेरे अलावा कोई नहीं है मैं ही ईश्वर हूँ और मुझको छोड़ के कोई भी ईश्वर नहीं है एकता के लिए सबसे पहली बात जो बोला गया कि हम लोग सिर्फ एक सच्चे ईश्वर की उपासना करें जैसे कि अगर आप ये उपनिषद पढ़िएगा स्वामी जी भी इस उपनिषद के बारे में बोल रहे थे ये उपनिषद है टोटल 108 होता है और उसमें से 10 प्रिंसिपल उपनिषद है जो कि सर्वमान ऊपर होते हैं, 10 दस प्रिंसिपल उपनिषद जिसमें की आता है छांदों उपनिषद अगर आप की उपनिषद पढ़िएगा चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर टू वर्ष नंबर वन मतलब अध्याय नंबर खंड नंबर दो और श्लोक नंबर एक तो उसमें लिखा हुआ है एक कम एवं एक ही ईश्वर है दूसरा नहीं है नहीं। लिखा है ऋग्वेद में बुक नंबर वन हिम नंबर 164, वर्स नंबर 46 में एक कम सत विप्र बहुदी कि ईश्वर एक ही है संत लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं मतलब ईश्वर एक है और संत लोग उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं पुकारते हैं और हिंदू धर्म का वेदांता मतलब ब्रह्म सूत्र उसमें लिखा हुआ है एकम एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह ना नास्ती किंचन ईश्वर एक ही है भगवान एक ही है दूसरा नहीं है नहीं है नहीं है जरा भी नहीं है तो ये चीज एक ईश्वर के बारे में आपको मिलता है हिंदू धर्म ग्रंथ में भी और अगर आप गुरु ग्रंथ पढ़िएगा मुझे अभी शमी भाई ने गुरु ग्रंथ दिया उसको भी अगर आप खोलिएगा तो सबसे ऊपर में मूल मंत्र लिखा हुआ है एकदम ऊपर में उसमें वो जो बोले एक ओंकार लिखा हुआ है कि एक ही ईश्वर है सत्य नामकर्तापूर्वक जिसका नाम सच्चाई है जो कि आपका खालिक है आपका बनाने वाला है और अगर आप बाइबल पढ़िएगा ये मेरे पास बाइबल भी है इसको भी अगर आप पढ़िएगा इसमें दो हिस्से होते हैं ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट आधा जो ईसा अलहलाम से पहले जो जीजस का इससे पहले वो ओल्ड टेस्टमेंट है जो जीजस का इसके बाद है वो न्यू टेस्टमेंट है अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़िएगा पुराना नियम तो उसमें लिखा हुआ है मोजस कहते हैं डिट्रॉनोमी चैप्टर नंबर सिक्स वर्ष नंबर फोर में शमा इजरा इला है, ये हिब्रीव है। हिब्रीव जवान में बोले कि सुनो इसराइल हमारा ईश्वर हमारा प्रभु एक ही प्रभु है और मैं एक ईसाई भाई से बात कर रहा था वो बोल रहा था कि आपको अगर बाइबल में ईश्वर के बारे में जानना है तो पढ़ो ऐजा एक किताब है इसमें बुक ऑफ एजाया उसको पढ़ना जाके तो मैंने पढ़ा उसको और बुक ऑफ एजाया में बार बार ये बोला गया आप पढ़िएगा एजाया चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11 आई इवन आई एम द लॉर्ड एंड बिसाइड्स मी देर इज नो सेवियर मैं मैं ही ईश्वर हूं और मेरे अलावा कोई भी नहीं है लिखा है एजाया में चैप्टर फोर्टी फाइव वर्स नंबर फाइव में आई एम गॉड एंड इज नन एल्स आई एम गॉड एंड देर इज नो गॉड गॉड्स मी मैं ही ईश्वर हूँ मेरे अलावा कोई नहीं है मैं ही ईश्वर हूं और मुझको छोड़ के कोई भी ईश्वर नहीं है और अगर आप फिर न्यू टेस्टमेंट ये ये पुराना नियम हो गया पुराना नियम में जो ईसा इस्लाम से पहले था और अगर आप न्यू टेस्टमेंट भी पढ़िएगा तो उसमें भी यही चीज लिखा हुआ है एक ईश्वर के बारे में गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर ट्वेल्व वर्स नंबर ट्वेंटी एट जीसस क्राइस्ट के पास एक आदमी आता है और वो पूछता है कि विच इज द फर्स्ट ऑफ ऑल कमांडमेंट वो आता है जैसे आप अंदर कोई को आता है कोई आता है यहाँ पे और स्वामी जी से पूछता है कि स्वामी जी क्या हुक्म क्या देते हो आप हमको तो जीसस क्राइस्ट बैठे हुए थे एक आदमी आता है वो बोलता है विच इज द फर्स्ट ऑफ ऑल कमांडमेंट सबसे पहला हुक्म आप क्या मुझको देते हो वो कहते वही सेम जो मूसा कह रहे थे शमा इसरा खत सुनो इसराइल हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर हो मुझे नहीं मालूम यहाँ संथाली आए है कि नहीं क्योंकि हमारे एरिया में संथाली बहुत क्रिश्चियन है तो मैं इसको संथाली में भी याद किया था मैंने इस लाइन को कि जीसोर और, और पहले एक दो नकान जुम्मे इसराइल प्रभुगे अबोरेन इसो दम्बित गो त्यंग ये संथाली है वो बोलते हैं कि सुनो इसराइल आवर गॉड इज वन गॉड ठीक है यही चीज आप न्यू टेस्टमेंट में पढ़िएगा उसमें भी आपको एक ईश्वर के बारे में मिलेगा और कुरान में तो बहुत सारी वर्सीज़ हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं सूर्य बकरा में सूर्य नंबर दो आयत नंबर 163 में व वा इलाकुम वाहिद इला ला इल्ला हुआ रहमान रहीम कि तुम्हारा इलाह तुम सब का इला एक ही इला है तुम सब का ईश्वर एक ही ईश्वर है उसके अलावा कोई भी ईश्वर नहीं और वह रहमान और रहीम है वो बहुत ही मेहरबान है कुरान में अल्लाह ताली फरमाते सूर्य बकरा में सूरह नंबर दो आयत नंबर दो सौ पचपन में अल्लाह अलह क्यूम कि अल्लाह जिसके अलावा कोई इलाह नहीं वो जिंदा है और सबका थामने वाला है और वही जो सूर इखलास जो कारी में भी सबसे शुरू में पढ़ा शमी भाई ने हम लोगों को बताया इखलास खालसा का मतलब इखलास और हमारे पास पूरा का पूरा सूरह है सूर इखलास वही खालसा ही वाला मीनिंग है प्योर प्योरिटी इखलास उसके में लिखा हुआ खलांबर एक सौ बारह आयत नंबर एक में कुल, हुआ हुआ हग, कहो के अल्लाह एक है सबसे पहली बात अल्लाह एक होता है हमारे चैनल आई आर पी सी इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे